Now in this video we would be talking about the last method of preparation of haloalkanes और इसके बाद हम haloarenes की preparations की बात करेंगे आगे. तो इस last method में हम क्या देखेंगे, this is called as halogen exchange reactions. halogen exchange का मतलब है यहाँ पर हम किसी नई चीज से haloalkane नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम एक pre-existing haloalkane का हैलोजन बदल कर दूसरा हैलोएल्केन बना रहे हैं. इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हमारे पास एक कोई वाइट शर्ट है या टी शर्ट है और हमें उसे उस कलर में नहीं पसंद करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डाई करा लेंगे किसी और कलर में. तो एक्चुअली वो टी शर्ट जो है वो डाई कराने के बाद शर्ट नहीं बनेगी, वो ही इंडिविजुअल चीज रहेगी, बस क्या हो जाएगा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो बेसिकली यहां भी कुछ ऐसा ही है, एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया है, उसका हैलोजन चेंज करा दिया है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. तो बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती हैं, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन. तो बेसिकली फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, अगर एक हम स्केलेटन रिएक्शन ले ले RX, स्केलेटन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्केलेटन है कि जिसमें आप R और X बदलकर कई सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं. जैसे R की जगह मैं CH3 ले लूं और X की जगह X हैज टू बी एसेंशियली क्लोरीन या ब्रोमीन ही होना चाहिए. फ्लोरो और आयोडो कंपाउंड्स के लिए ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ही आयोडीन से एक्सचेंज कराएंगे. तो बेसिकली हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये सोडियम इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्काइल हैलाइड का हैलोजन ले करके बाहर निकल जाएगा और आपको एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की जगह क्या मिल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा. और इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि सोडियम आयोडाइड का एडिशन आरएक्स पर ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगा. तो बेसिकली ये एक नेम रिएक्शन है जिसको फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. और इसको बेसिकली एग्जाम्स में पूछा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, DA stands for dry acetone और ये रिएक्शन हमें दी हुई है और हमसे कहा गया है कि कंप्लीट द रिएक्शन. इसको इस फॉर्म में यूजुअली पूछा जाता है. तो जैसे ही आप रिएजेंट देखेंगे NaI और ड्राई एसीटोन देखेंगे, आपको तुरंत समझ जाना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है और फिर कुछ नहीं करना है, हैलोजन एक्सचेंज कराकर प्रोडक्ट बना देना है. तो यहां क्लोरीन की जगह आयोडीन लग जाएगा और यू विल बी गेटिंग एन आयोडो कंपाउंड और NaCl रिमूव हो जाएगा. तो इस स्केलेटन रिएक्शन के लिए ये एक एग्जाम्पल रिएक्शन मानी जा सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वार्ट्स रिएक्शन. ये दूसरी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास जो है ब्रोमो कंपाउंड है या क्लोरो कंपाउंड भी हो सकता है, जिस पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे मेटालिक फ्लोराइड्स का. तो एनसीईआरटी के हिसाब से इनमें से कोई भी मेटालिक फ्लोराइड आप यूज कर सकते हैं. आई हैव यूज AgF, राइट. तो यहां भी क्या होगा, हैलोजन का एक्सचेंज है, ये हैलोजन इसकी जगह आ जाएगा, इसका मतलब सिल्वर विल टेक अवे द ब्रोमीन, राइट. और इसके यहां से हटते से ही फ्लोरीन यहां अटैच हो जाएगा. तो देखिए CH3F, राइट, एल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन बन गया और AgBr इज रिमूव्ड. तो एक तरह से देखें तो हेलो एल्केन्स हमारे पास ऑलरेडी थे, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें फ्लोरो कंपाउंड चाहिए या हमें आयडो कंपाउंड चाहिए. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज का मेथड यूज करेंगे. तो यहां हमने हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बनाया, जिसमें बस क्या अंतर है, हैलोजन अलग है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.